ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से एक बड़ी जानकारी आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हंगामा हुआ है। देहरादून से बड़ी जानकारी। हरीश रावत समर्थकों और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह में झड़प हुई। महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट हुई है। समर्थकों का आरोप हरीश रावत पर की अभद्र टिप्पणी। महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट हुई है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। हरीश रावत समर्थकों और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह में झड़प देखने को मिली है, ऐसी खबर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है। हरीश रावत समर्थकों और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के बीच झड़प, और इसमें कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीर आप देखिए, ये आपस में कहासुनी की तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है। हरीश रावत पर अभद्र टिप्पणी का भी आरोप है। देहरादून से कैलाश जोशी हमारे संवाददाता है। इस खबर पर ताजा अपडेट क्या है, ऐसा हुआ क्यों, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। कैलाश, ये पूरा प्रकरण क्या है, क्या है ये कांग्रेस के बीच के तमाम दिग्गजों के बीच, बड़े नेताओं के बीच का आपस का मामला? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के जो ट्विटर वॉर से जो हंगामा शुरू हुआ था, तो वर्चस्व की लड़ाई यहां पर दिख रही थी, या हम यूं कहें कि कांग्रेस के जो प्रभारी यहां पर थे देवेंद्र यादव, उनके द्वारा जो अंगित किया गया था हरीश रावत के द्वारा कि उनके द्वारा जो है कई जगहों पर संगठन को लेकर जो है उनके साथ नहीं चला जा रहा है, उसको लेकर जो है यहाँ पर विवाद होना शुरू हुआ था। उसके बाद जो है आज मुख्यालय में जो तस्वीरें हमारे द्वारा भेजी गई हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय की है, जहाँ पर जो है कांग्रेस मुख्यालय के महामंत्री राजेंद्र शाह पर जो है हरीश रावत के कुछ समर्थकों ने अभद्र टिप्पणी करने के ऊपर हाथापाई जरूर की है। और उसके बाद जो गहमा गहमी यहाँ पर हुई थी, तो कल देर रात यहाँ पर जो है जो यूथ संगठन के लोग हैं उनके द्वारा भी कुछ पोस्टर यहाँ पर निवेदक उनको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो है उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त माहौल गर्म है। बहरहाल अभी जो खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में सारी चीजें सामान्य हो चुकी हैं और हरीश रावत को जो है चुनाव कैंपेनिंग कमेटी का मुखिया नियुक्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये अमर्यादित विजुअल जो मिले हैं कांग्रेस भवन से, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी जो है लगातार बनी रहेगी, या फिर आज की मीटिंग के बाद शांत हो जाएगी? बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम भी लगातार कांग्रेस को कवर करते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रकरण है ये होना ठीक नहीं है। क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीजें पहले कभी उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली, जैसे कि कैलाश जोशी बात कर रहे, लेकिन महामंत्री के साथ मारपीट की भी बात सामने आ रही है। तो इसमें मारपीट करने वाले लोग जो हैं हरीश रावत गुट के हैं, या फिर जो आपसी मामला है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए समीर, अगर बात करें राजेंद्र शाह की, तो राजेंद्र शाह उत्तराखंड के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं और एक सुलझे हुए महामंत्री के तौर पर जो है कार्यरत हैं। लेकिन जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो विवाद हुआ है, विवाद इस बात को लेकर हुआ है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो हरीश रावत पर राजेंद्र शाह के द्वारा कोई टिप्पणी की गई थी, लेकिन जब मैंने राजेंद्र शाह से खुद बात की तो राजेंद्र शाह ने मुझे फोन पर ये बात बताई कि किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी, और ये जो जिन लोगों ने उन पर आज धक्का मुक्की की है, ये चीज, ये व्यवहार उचित नहीं है। अगर ऐसा कांग्रेस के जो पुराने साथी हैं उनके साथ या नए साथी के साथ होता है तो ये गलत है, ये खुद राजेंद्र शाह जी ने कहा है। लेकिन जो वीडियो है, वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है संदीप कि वो ये कह रहे हैं कि आप हरीश रावत को क्या गाली दोगे, हरीश रावत के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे? तो ये इस प्रकार की टिप्पणी आना कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति है, जो पिछले दो दिन से कांग्रेस की स्थिति उत्तराखंड में है, कहीं ना कहीं ट्विटर वार के बाद जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार के जो बयान हरीश रावत जी के द्वारा यहाँ पर लिखे गए थे, जो उन्होंने अपने बारे में लिखा था कि ऐसी स्थितियां कांग्रेस में है, हालांकि उस पर अभी विराम लग चुका है, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें कांग्रेस भवन से निकल कर आई है, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो बहुत ऐसी तस्वीरें सामने आना वो अच्छे संकेत नहीं है। बहुत शुक्रिया कैलाश इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के तमाम ऐसे दिग्गज जो कहीं ना कहीं अपनी बात को जब रिएक्ट करते हैं किसी भी माध्यम से, उसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो कांग्रेस के लिए
बेहतर संकेत नहीं है। अब इसमें चाहे हरीश रावत हैं या फिर इसके साथ साथ महामंत्री राजेंद्र शाह हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये संकेत बेहतर नहीं है कांग्रेस के लिए।